नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राहगीरों से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया था। इस गिरोह का मुख्य सरगना दुबई में इन मोबाइल को ठिकाने लगाता था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को जानकारी लगी कि दुबई से इंदौर आ गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बबरकुआ थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो सुनसान इलाकों में राहगीर युवतियों को अपना निशाना बनाता था और फोन पर बात करते वक्त युवतियों के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो जाता था। पुलिस ने ग्रुप में पूर्व में अरुण सहित अन्य तीन साथियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में कई जानकारियां मिली थी जिनसे 40 से भी अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। बदमाश महंगे फोन चोरी करने का शौक रखते थे जिससे अपने एक अन्य साथी राहुल के साथ मिलकर विदेशों में से भेज दिया करते थे। पुलिस ने राहुल लालवानी की जानकारी जुटाई तो वो घटना के बाद से दुबई फरार हो गया था। पुलिस को जानकारी मिली कि वो दुबई से इंदौर आया हुआ है। घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी राहुल लालवानी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से अन्य और भी घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 2 अक्टूबर की शाम को एक युवती का मोबाइल कुछ दो व्यक्तियों ने अपनी बाइक से चलते हुए झपट्टा मारकर छीना था और जब विवेचना की गई तो यह पाया गया कि ऐसे दो नहीं अनेक लड़के हैं इनकी गैंग में जो कि लगातार युवतियों के मोबाइल छीन रहे थे। और इसके बाद इस गिरोह को हमने पकड़ा था। 4 सदस्य पकड़े गए थे और उनसे काफ़ी मात्रा में मोबाइल बरामद किए गए थे। किंतु 2 अक्टूबर को ही घटना में जो फरियादिया का मोबाइल छीना गया था वह मोबाइल बरामद नहीं हो सका था क्योंकि वह मोबाइल जो चोरी का जो लूट का मोबाइल था वो एक अन्य आरोपी जो कि इसी प्रकार के चोरी के मोबाइलों को विदेशों में खपाने का काम करता था राहुल ललवानी उर्फ एलियन वह फरार हो गया था। वह दुबई उस समय चला गया था और उसके बाद उसकी पुलिस को तलाश थी। आज उसे गिरफ्तार किया गया है और वो मोबाइल बरामद कर लिया गया। सर कहाँ से इसको गिरफ्तार किया है और कहाँ? आज यही इंदौर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया है और वो जो मोबाइल था युवती का वो बरामद कर लिया गया। क्या कारण रहता था सर? आज जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके द्वारा जो मोबाइल छीनने वाला गिरोह है उससे मोबाइल खरीदे जाते थे और जो महंगे मोबाइल हैं वो महंगे मोबाइल वो कुछ संख्या में 5-7 की संख्या में लेकर के दुबई जाते थे और वहाँ जा कर के बेच करके और वहाँ से फिर मतलब अपना जो भी है लेकर के आते। पूछताछ की गई है इसमें लेकिन अभी इस प्रकार की बात चूँकि काफ़ी दिन से आरोपी फरार था तो उसके पास से अन्य कोई मोबाइल बरामद नहीं हो सका। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।